Okay, don't worry, relax. I know what you want. सगाई बजने वाली है शहनाई, हुनर और मयंक को बधाई हो बधाई। दहलीज की जया और छल की अदिति जायसवाल यानी कि हुनरहाली स्क्रीन पर तो कई बार दुल्हन बन चुकी हैं, लेकिन आज इनकी तैयारी चल रही है रियल लाइफ दुल्हन बनने के लिए। और पता है इनका रियल लाइफ दूल्हा कौन है? वो है मयंक गांधी। जी हाँ, स्प्लिट्स विला के विनर और वीरा और मिलियन डॉलर गर्ल जैसे शोज में काम करने वाले मयंक गांधी और हुनर हाली रचा रहे हैं 28 अगस्त को शादी, जो हो रही है दिल्ली में। लेकिन शादी से पहले तैयारियां चल रही है मुंबई में, और वो भी अर्चना कोचर के डिजाइनर स्टोर में, जहाँ हुनर अपने शादी और कॉकटेल के फंक्शन के लिए सिंपल और क्लासी आउटफिट डिजाइन करवाने पहुंची हैं। तो ये जो है अपनी शादी पर सिंपल येट क्लासी रहना चाहती हैं, जिसके लिए अर्चना जी इनकी मदद करेंगी। अर्चना जी बताइए, इनका जो कॉम्बिनेशन या इनका टेस्ट है थोड़ा सा अलग है, मतलब टिपिकल दुल्हन जैसा नहीं है, तो कैसे आप इनके लिए डिजाइन कर रही हैं? तो हमने इनके लिए कलर पैलेट एक बहुत ही क्लासी सिंपल बहुत स्वीट पेस्टल्स यूज़ किए हैं, और कट्स हमने वैसे यूज़ किए हैं जिनमें बहुत ज़्यादा काम ना हो। इट्स पूरा एम्फेसिस हमने काम पे नहीं दिया है, और ये ना एक बहुत बड़ा चेंज आता जा रहा है। अभी हमारी जो यंग लड़कियां शादी कर रही हैं उनका जो एक इवॉल्वमेंट हुआ है, अब सब लोग चाहते हैं कि वो थोड़े से सिंपल लहंगे पहने। जो एक ट्रेंड था ना कि मेरा लहंगा 20 किलो का था, वो ख़त्म हो गया है। मैं पेस्टल कलर्स चूज़ कर रही हूँ, और ऑब्वियसली आप जानते हैं कि मैं एक सरदारनी हूँ, तो हमारी शादी दिन की होती है, रात की नहीं होती। तो ऑफ़ कोर्स वाइन कलर्स मैं बहुत क्योंकि अगस्त में शादी है, तो ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूँगी कि मैं कुछ ऐसा इतना डार्क कलर पहनूँ, क्योंकि आई डोंट वांट कि कोई मुझे देखे तो उसको गर्मी लगे, यू नो। तो कॉकटेल इनका पहला फंक्शन है, पेस्टल्स हमें बोला गया है, लाइट कलर्स, सिंपल ब्राइड बोला गया है, तो मैं रेकमेंड करती हूँ कि हम इसको ट्राई करें और फिर देखते हैं कि कैसे लगता है इनके ऊपर, क्योंकि ये पेस्टल भी है, लाइट कलर भी है, सिंपल भी है, इसमें गोल्ड ब्लिंग नहीं है, बहुत एलिगेंट ब्लिंग है। तो ये ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं कैसे लग रहा है ना। मेरे ख्याल से ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत एलिगेंट है, लेकिन मे बी हुनर को ये थोड़ा सा ब्लिंगी लगी, क्योंकि उसका जो जो वो चाहती है वो थोड़ा सा ज़्यादा इससे सिंपल है। हम जनरली ब्राइडल आउटफिट्स कस्टमाइज़ करते हैं, तो हम कोई भी कलर में बना सकते हैं। तो आई थिंक ये भी एक बहुत खूबसूरत गाउन है, इसको भी हम देख सकते हैं। पहले वो पिंक पहन लेते हैं। Okay, don't worry, relax. I know what you want. Okay. तो बताइए अर्चना की क्या चाहिए इन्हें? इतनी excited दिख रही हैं, चिल्लाते हुए आ रही हैं, खुश होते हुए आ रही हैं, बताइए क्या चाहिए इन्हें? आई थिंक इनको कलर बहुत पसंद आया है, एंड आई थिंक इनको सिंप्लिसिटी काम की बहुत पसंद आई है, और आई थिंक पेस्टल्स का एक मिक्स जो आ रहा है ना, एवरी पिंक जो पेस्टल का एक लुक आ रहा है, वो बहुत पसंद आया है। तो हम इसमें से ये सब एसेंस उठा करके इनका पीस क्रिएट करेंगे। Awesome. See, I told you, she understands me really well. बाद बारी आई लहंगे की। हाँ, जैसा कि हमने पेस्टल डिसाइड किया था, तो दिन की शादी है तो हम कुछ पेस्टल कलर्स पे ही जाएंगे, समथिंग लाइट एंड नॉट टू मच ऑफ एम्ब्रॉयडरी। सो लेट्स सी व्हाटएवर व्हाट हैव यू फाइनलाइज्ड। आई वाज थिंकिंग यू शुड ट्राई दिस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आइवरी शैंपेन सिल्वर गोल्ड लहंगा, और उसमें थोड़े से ब्राइट कलर्स भी आ जाते हैं, तो एक पॉप ऑफ ब्राइट कलर ब्लॉकिंग हो जाती है ब्राइट कलर्स से। आई थिंक ये लहंगा भी बहुत खूबसूरत है, पेस्टल भी है, और इसका काम भी बहुत सेल्फ ऑन सेल्फ है, शैम्पेन गोल्ड सिल्वर एंटीक सिल्वर एंटीक गोल्ड, तो ये भी हम ट्राई कर सकते हैं, है ना? हाँ, दिस इज वेरी प्रिटी एक्चुअली, है ना? ट्राई करते हैं फिर डिसाइड करते हैं। हाँ, ठीक है।
आई थिंक ये भी एक ट्राई कर सकते हैं, ये केप लहंगा है. आजकल केप स्टाइल बहुत अच्छी मतलब लग रही है ब्राइड्स के ऊपर और बहुत आपके ऊपर भी सूट करेगी. इसके ऊपर आपकी अच्छी तरह से ज्वेलरी भी आ जाएगी. तो एक केप लहंगा भी ट्राई करके देखते हैं. तो वाह, हम तो कहेंगे कि आप जो है लाजवाब लग रही हैं और लुकिंग स्टनिंग. थैंक यू. रंग के लहंगे और गाउन ट्राई करने के बाद बारी आई कुछ अलग रंग के आउटफिट ट्राई करने की. हुनर को इसमें सबसे खास क्या लगा, सबसे खूबसूरत चीज़ क्या लगी? जैसे कि मैंने आपको बार बार यही कहा है कि बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जितना खूबसूरती सिंपल होने में खूबसूरती है. भाई हुनर ने तो काफी सारे आउटफिट ट्राई कर लिए अपने कॉकटेल और शादी के लिए. अब जरा बताइए अपनी और मयंक की छोटी सी लव स्टोरी के बारे में. तो मयंक फिलहाल कहाँ पे है ये बताइए. मयंक फिलहाल मेरे दिल में है. नहीं, लेकिन आपके साथ वो किसी तरह के शॉपिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या कुछ तैयारियों में या फिर क्या बताइए? क्यों चाहूंगी कि वो देखें कि मैं क्या पहन रही हूँ. बेसिकली मयंक के लिए सरप्राइज होगा. आप मयंक को मेरे साथ मेरी शादी के वक्त मिलेंगे क्योंकि मैं उनके लिए ये सरप्राइज़ रखना चाहती हूँ और आप लोगों के लिए भी ये सरप्राइज़ रखना चाहती हूँ कि मैं उस दिन कैसी लग रही होंगी और मैंने क्या पहना हो. तो कैसे ये मतलब चट मंगनी पट शादी और जो मिले उसके बाद फिर ये शॉर्ट जर्नी कैसी थी और फिर ये कैसे आपने फटाफट डिसाइड किया? मुझे हमेशा से मैं अरेंज मैरिजेज में विश्वास रखती हूँ और रिगार्डलेस आज की दुनिया कितनी मॉडर्न हो गई है, पर उसके बावजूद भी मैं आई बिलीव इन अरेंज मैरिजेज. और मेरा हमेशा से एक बहुत ही मॉडर्स्ट अप्रोच था चीज़ों को लेके कि एक अरेंज सेटअप को मैं एक लव मैच में कन्वर्ट करूँ. तो हमारे केस में भी ऐसा ही हुआ. इट वॉज़ अरेंज्ड मेट थ्रू फैमिलीज एंड जिस वक्त में मैंने सिंप्लिसिटी एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग से विश्वास खो दिया था उस वक्त में मेरी ज़िंदगी में वो आए और सडनली मुझे लगा कि हाँ ये सारी चीज़ें भी आजकल इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं. उनसे मिलके मुझे ऐसा एहसास हुआ और ऐसा फील हुआ एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि आई एम ब्लेस्ड विद अ लाइफ पार्टनर लाइक मयंक गांधी. मैं सरदारनी हूँ और उनकी जो 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 भाभी हैं वो भी सरदारनी हैं. तो सरदार कनेक्शन एंड दैट्स हाउ इट ऑल हैपेंड. बट आप दोनों एक्टर हैं, यहीं पे रहते हैं, तो उससे पहले तो आई थिंक आप लोग ज़रूर मिलते होंगे, सब जगह जानते होंगे. यही ताज्जुब की बात है क्योंकि जब हम मिले थे तो यही सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात थी कि डिस्पाइट ऑफ बीइंग इन द सेम इंडस्ट्री हम आज तक कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराए हैं. तो चलिए हम हुनर की शादी की तैयारियों की तरह उनकी और मयंक की शादी भी दर्शकों तक जरूर लेकर आएंगे. अनुपमा राय, मुंबई, आज तक.